योग ही एकमात्र उपाय है जो हमें रोग मुक्त रख सकता है। हमारे ऋषि मुनि योग को विश्व के पटल पर लाए और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम योग करें, स्वस्थ रहें, निरोगी काया रखें और इसका प्रचार प्रसार करें। ये बात इंदौर के अरविंदो अस्पताल परिसर में योग दिवस पर महाप्रबंधक राजीव सिंह ने बीते दिन कही, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। दरअसल योग दिवस पर पूरे इंदौर शहर में बीते दिन योग क्रियाएं दिखी, जहां योग दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं इस कड़ी में इंदौर के अरविंदो अस्पताल परिसर में भी योग दिवस का उत्साह दिखा, जहां लेजर भवन के समीप गार्डन में योग गुरु रामबली आर्य ने लोगों को योग करवाया और निरोगी काया कैसे रखते हैं इसका मूल मंत्र भी बताया। दौरान अरविंदो अस्पताल के महाप्रबंधक राजीव सिंह और डॉक्टर रश्मि देशपांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लेके चले गए उन चीजों को, लेके गए चीज वही है, लेकिन मूल जो योग का संस्कार है, जो हार्ट है, वो हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे ऋषि मुनि उस चीज को अच्छे जानते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आज ही नहीं, ठीक है, आज एक हम इस चीज़ को जागृत करते हैं, हम अवेयरनेस करते हैं, बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोज करें, खुद के लिए करें और दूसरे के लिए भी करें। इससे आपका तन मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसी कामना के साथ आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम सब भी संकल्प लेते हैं प्रतिदिन योग करने का। ये आपके योग की क्लास प्रतिदिन यथावत यही लगेगी। जब बारिश होगी तो देखेंगे यहाँ स्थान निश्चित किया जाएगा। इसके बाद आज से हमें योग करने का संकल्प लेना है। तो आइए अपने स्थान पर बैठते हैं, शुरुआत करते हैं विधि पूर्वक। योग क्या है आज आप करेंगे, आपको पता लगेगा हमारे नाखून से लेकर पैर की चोटी तक, इससे हमारे योग से रोग कैसे मिटते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे अरविंदो परिसर में आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। यहाँ पे हमने सभी जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है और अरविंदो इकाई के हमारे जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के माध्यम से इन कार्यक्रम को हमने किया। क्या कहेंगे, योग कितना ज़रूरी है आज के जीवन में? आप युवा हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम योग को जितना करें उतना हम हमारे शरीर को आंतरिक और बाहरी रूप से अच्छे से निखार सकते हैं। योग की वो क्वालिटी है। चूँकि आप ABVP के भी कार्यकर्ता हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े हैं, कोरोना की महामारी भी चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप इन प्राणायामों को, योग के? इन प्राणायामों को हम एक महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, हम कोरोना के जो कोरोना काल चल रहा है अभी, उसमें हमने अगर देखा जाए, अगर आकलन किया जाए, तो सबसे अधिक योग जिन लोगों ने निरंतर रूप से किया है वो आज स्वस्थ है एकदम, और उसको हम एक महत्वपूर्ण भूमिका में योग को लेते हैं। इस विषय को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अरविंदो महाविद्यालय में भी जो टीकाकरण है वो बहुत अच्छे से है, और आज टीकाकरण महाअभियान भी था, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर के और टीकाकरण में भाग लिया और टीका लगवाया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से आप जागरूकता फैला रहे हैं युवाओं में? कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के हमने, जैसा कि गत दिनों में हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमने कोरोना मुक्ति अभियान चलाया था, गांव-गांव जाकर लोगों को सैनिटाइज किया और इसके बाद उनको मेडिकल किट प्रोवाइड की, और उनको सबसे ज़्यादा हमने टीकाकरण के लिए ही जागरूक किया। वहाँ पर हमने लोगों को देखा, गाँव के लोगों को समझाया, मतलब अच्छा रिजल्ट मिला हमारे इस छोटे से प्रयास से। आपका परिचय? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, इंदौर महानगर से प्रकाश परमार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।